इमदादुल फुकरा ट्रस्ट शहर हैदराबाद का एक नुमाया इदारा है। यहाँ पर यतीम लड़कियों के लिए तालीम व तरबियत का बेहतरीन नज़म है। इस इदारे को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से यतीम खाना चलाने के लिए लाइसेंस भी हासिल है। वाज़ेह है कि इमदादुल फुकरा यतीम खाना शहर के एक पसमानदा इलाके बिस्मिल्ला कॉलोनी वेंकटापुर जो कि शाहीन नगर के करीब वाक़ है। इस इदारे में लड़कियों की दीनी व असरी तालीम का अहतमाम किया जाता है। नेज दस्तकारी टेलरिंग व दीगर रोज़गार पर मबनी स्किल्स भी सिखाई जाती है। ख़ास तौर पर यतीम तालिबात की हिफाजत के लिए तमाम तर हिफाजती व क़ानूनी इंतजाम भी किए जाते हैं। मोहतरमा अजमत उनीसा चेयरमैन इमदादुल फुकरा ट्रस्ट ने औलिया तलबा से ख्वाहिश की है कि वह इस सहूलत से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाए। इन्होंने प्रेस नोट में बताया कि यतीम लड़कियों की काउंसलिंग अखलाकी तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी जाती है। इस इदारे में सिंगल पेरेंट तलबा को भी दाखिला दिया जाता है। आइए सुनते इस खसूस में मज़ीद तफसील। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर लाइक करें और फेसबुक पर फॉलो करें। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम अजमत उनीसा है, मैं इमदादुल फुकरा ट्रस्ट की चेयरमैन हूँ। इमदादुल फुकरा ट्रस्ट की जानिब से IFT होम फॉर गर्ल्स यानी यतीम खाना स्टार्ट किया गया है 2020 में, एंड इसका हम आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस भी मिल चुका है लास्ट मंथ में। तो आप लोग से ये गुजारिश है कि अगर आपके पास आपकी नज़र में अगर कोई यतीम बच्चियां हैं जिसके मदर का इंतकाल हुआ है या फादर का या किसी के दो भी नहीं हैं या कोई सिंगल पेरेंट्स है जिसके मतलब पेरेंट्स का खुला हो चुका है, तो वो बच्चों के एडमिशन्स आप यहाँ पर करा सकते हैं। ये इमदादुल फुकरा ट्रस्ट के IFT होम फॉर गर्ल्स जो है यहाँ पर आपको ये बारकस के आगे पहाड़ी शरीफ और शाहीन नगर से पहले आता आपको बिस्मिल्ला कॉलोनी में आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें दिया जाएगा। इसमें यहाँ पे आपको कोई भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे खाना, बच्चों का मेडिकल एक्सपेंसेस, उनका मॉडर्न एजुकेशन के साथ उनकी दीनी तालीम हर वो चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है। उन लोगों की यहाँ पर हमारे पास पूरा 100% मुस्लिम मैनेजमेंट रन करता है ये ऑर्गेनाइजेशन को, और यहाँ पे पूरा स्टाफ लेडी स्टाफ रहता है। यहाँ पे 24/7 CCTV कैमरा से पूरी बिल्डिंग में 25 कैमरा से यहाँ पर हर वो चीज़ से बच्चों की उसकी परवरिश के तौर पर अखलाक के एतबार से हर वो चीज़ से बच्चों का यहाँ पे अच्छे से ख्याल रखा जाता है। यहाँ पे मिनिमम 7 ईयर्स है सर, 7 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स तक एज ग्रुप यहाँ पे रखा जाता है। ये सिर्फ बच्चियों के लिए होता है। दुनियावी तालीम के लिए मतलब नाज़िरा फ़ायदा कुरान हदीस है, दीनी तालीम पूरी जो भी तालीम देना चाहिए बच्चों का, अगर वो लोग अगर इंटरेस्ट है, अगर वो हिफ्स करना चाह रही हैं या आलिमियत करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम है कि जैसे अब क्यों तो एज ग्रुप हम लोग 7 ईयर्स इसलिए रखें कि छोटी एज में रहे तो हम उनको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे सकते हैं। अगर बड़ी जैसे कि 15 साल 16 साल के बच्चों के अगर हम एडमिशन दें तो 2-3 साल भी नहीं होते फिर लोग के घर वाले शादी होते तो हम सीधा तरबियत नहीं दे सकते उनको। तो इसलिए अगर कम से कम एज के बच्चे हैं तो उनको हम अच्छे तरीके से दुनिया की भी तालीम हो और दीनी तालीम को भी अच्छा फाउंडेशन दे सकते हैं हम लोग को। इसके साथ मतलब अगर आप बच्चे यहाँ पे घर पर है तो आप जैसे उनको स्कूल को भेजते जैसा भेजते तो यहाँ पे भी स्कूल है हमारे पास भी, तो यहाँ पे बच्चों को तालीम देते हैं। ट्यूशन टीचर भी आके ट्यूशन के हिसाब से भी जाते, आप लोग आके इसका रिपोर्ट चेक कर सकते हैं बच्चों का कैसा है इसको। आप 3 मंथ्स में एक बार आके या मंथली अगर आप आके उन लोगों का एजुकेशन लेवल जो भी है आप लोग वो चेक कर सकते हैं। अगर इंशाल्लाह हम मतलब वो दूर तक हमारे पास बट क्यों वो तो अभी तो स्टार्टअप है इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रही थी। इंशाल्लाह अगर वो बच्चे हमारे पास पढ़े तो उनकी जहाँ तक वो लोग पढ़ना चाहें चाहे वो इतना मतलब वहाँ तक हमारी जो टीम है इमदादुल फुकरा ट्रस्ट में जो टीम है जो इसके डोनर्स है और जो इसके बेनिफिशरी जो भी मतलब हमारी